ये अपना सेकंड डे है, हम डे स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट से। यार ज़्यादा खाने को कुछ होता है नहीं इधर वेज वालों के लिए, तो मैं दिखा देता हूँ क्या है। इसके अलावा हमने जूसेस वूसेस अभी खाने हैं, फ्रूट्स हैं एंड ये सब है। बाकी नॉन वेज वालों के लिए तो पैराडाइज है भाई, नॉन वेज वालों के लिए पैराडाइज। तो अभी हम निकलेंगे घूमने, पर पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भाई। नाश्ता तो हो गया पहले दिन का, अभी निकल रहे हैं हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन, देखते भैया कहाँ ले जाएंगे। भैया भाई जहाँ हम जा रहे हैं ना, वो कुटा शहर से 2 घंटा 27 मिनट की दूरी पर, मेरे से तो नाम भी नहीं लिया जा रहा, इसलिए नहीं ले रहा। बुलूम पुलाम पता नहीं करके गाइड क्या है यार, समझ नहीं आ रहा। हाँ जो भी है, वहाँ जा रहे हैं, 2 घंटा 27 मिनट लगेगा भाई। 1 घंटे से चल रहा हूँ, पहली रेड लाइट देखिए, नहीं तो लोग इतने समझदार है ना टैक्सी वाले भी। आराम आराम से चलते हैं, अपने अपने लेन में चलते हैं, कोई अबर तबर नहीं। हाँ तो जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम है लैंपुयांग टेम्पल, ये पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, अभी रास्ते में जा रहे हैं वहाँ से, और इनके लिए राइस फील्ड्स भी है, वो आगे दिखेंगे। ये इंडोनेशिया में करेंसी का सीन ऐसा है कि ये सोच के मत आना इंडोनेशिया में करेंसी छोटी है, एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमारा एक रुपया इनका 180 या 189 है, ठीक है। लेकिन इधर क्या है कि तुम खाने के लिए बैठोगे ना कहीं, इंडियन तो भूल जाओ, इंडियन तो बहुत ही महंगा, वैसा भी कुछ खाओगे तो 60,000 80,000 1 लाख रुपए का डोसा है, तो अब दिमाग लगा लो तुम, 1 लाख रुपए का डोसा बोले तो 500 रुपए का डोसा, यार इंडिया में चुपता है यार। बाकी करेंसी छोटी और बड़ी कुछ नहीं होता, पैसा बहुत लग जाता है इधर। और करेंसी एक्सचेंज का ऐसा है कि मैं तो इंडिया से ही आईडीआर लिया था, आईडीआर मतलब इंडोनेशियन रुपीस, ठीक है। बाकी अगर आप आते हो तो कन्वर्ट करवाओ, INR से मत करवाना, डॉलर से करवाना, और एयरपोर्ट में मत करवाना, बाहर करवाना। बट मैं इंडिया से ही लेकर आया था, और क्योंकि यहाँ स्कैम बहुत होता है यार, तुम काउंट नहीं कर पाओगे। अभी जो मेरे पास पड़े हैं 34 लाख रुपए पड़े हैं यहाँ के, ठीक है, इंडियन 20,000 रुपए होंगे, तो 34 लाख। अब तुम कुछ खरीदने जाओगे 1500 रुपए वापस आए, 1500 IDR, तो उसको काउंट करो, बहुत मतलब बहुत झोल झाल है। और इसीलिए बड़े नोट लाना, मैं लाख लाख के नोट लाया था। नीचे पार्किंग से ना तुम्हें गाड़ी इस रास्ते से, ये वाली गाड़ी टूरिस्ट को ये वाली गाड़ी लाती है, यहाँ टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेने पड़ता है। टिकट है 55,000, तो ये इंडिया के कुछ 200-250 रुपए हुए। तो ये बस अब ऊपर जाएंगे टेंपल में, टेंपल है ऊपर कहीं, ऐसे धोती सी पहन के जाना पड़ता है, बेयर मतलब नंगे पैर नहीं जा सकते, ये धोती पहननी पड़ती है। और ये लेडीज़ जो है ये आपको धोती पहना देगी, मैंने भी पहनी है भैया। तो भाई देखो ये है टेंपल, लोग ये इंडिया से आए हैं लोग, ये है टेंपल। और ऐसा कुछ है टेंपल में, और भाई वहाँ की अलग टिकट है, बट बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो लोग वेट कर रहे हैं, देखो लोग वेट कर रहे हैं। तो ये है टेंपल, इसको देखने भाई पता नहीं अंग्रेज क्यों आते हैं, पागल हो रखे। और देखो वो नहीं हो रहे भाई उड़े, ये है टेंपल यहाँ का, देख लो यार
तो यार यहाँ से ना ये स्टैंड है, यहाँ से जाती है ऊपर गाड़ी, यहाँ तक तुम्हें तुम्हारी प्राइवेट कार लाएगी, उसके बाद ये लोग ले जाएंगे ऐसे करके। तो ये लोग तुम्हें ले जाएंगे ऊपर टेंपल में, टेंपल में फिर वही फ़ोटो खिंचाओ ये कराओ। तो बस यही है, बाकी यहाँ पार्किंग है पूरी, इजीली मिल जाती है, आप स्कूटर में भी आ सकते हो और प्राइवेट कार्स में भी आ सकते हो। तो ये था हमारा पहला डेस्टिनेशन। तो यार अभी ना तीर्था गंगा की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। तीर्था गंगा भी एक टूरिस्ट प्लेस है, अभी पता नहीं देखा है नहीं, देखते हैं कैसा है, दिखाते हैं आपको भी, ठीक है चलो फिर चलते हैं। तो इधर खाने का भी सीन ऐसा है यार कि ना अगर तुम, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को तो है दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, पर वेजिटेरियन फूड मैं मतलब ढूंढ लेता हूँ और खा लेता हूँ, बट जैसे नॉन वेजिटेरियन है तो जरूरी नहीं, उनके लिए पैराडाइज है। अब उनको भी स्मेल आ सकती है यहाँ के, थोड़ा है यार पानी में तेल में थोड़ा सा स्मेल है, लाइक गोवा, जैसे गोवा में आती है, गोवा में थोड़ी सी स्मेल आती है खाने में, फिशी और ये सब ना कोस्टल एरिया वाली फील आता है उधर, तो थोड़ा स्मेल आती है। तो बस देख के यार, हम तो बहुत सारा कुछ कैरी करके लाए थे जो हम ला सकते थे इंडिया से, तो तुम भी जब कोशिश करना होगे तो ले आना जो ला सकते हो। ये यार राइस फील्ड्स है, देखो इधर की राइस फील्ड्स ऐसी होती है, ये लोग चावल ज्यादा होता है, राइस बहुत खाते हैं, राइस हर चीज में, राइस ये राइस फील्ड्स। आ गए भाई तीर्था गंगा, पार्किंग वार्किंग तो ये भाई खुद ही दे देता है, वो पैकेज में ही हमारे, और एंट्री एंट्री भी खुद ही दे देता है। तो ये आ गए हम तीर्था गंगा, भी दिखाते हैं टेंपल यार, ठीक है जा रहे हैं यार, जरा हैं मंदिर की तरफ ले लेंगे, वो बाद में लेंगे, अभी चल ले। तो देखते मंदिर कैसा है, तीर्था गंगा ना, मंदिर नहीं है सॉरी, ये वाटर पैलेस है कुछ, तो देखते हैं जरा कैसा है वाटर पैलेस ये। भाई फॉरनर बड़े तगड़े तगड़े आ रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टार्टिंग गेट है तीर्था गंगा का, दिस इज तीर्था गंगा, ये तीर्था गंगा है दोस्तों, ये है वाटर पैलेस कोई। तो यहाँ ऐसे ऐसे गोरे भी आते हैं, काले भी आते हैं, ये तो इंडियन ही लग रहे हैं मेरे को, इंडिया वाले भाई हर जगह ही होते हैं ऐसे, पानी काम नहीं इंडिया वालों के पास, और कोई मछलियों वाला है ना ये, देखो मछलियाँ ये वाटर पैलेस है यार। तो आते हैं लोग फोटो खिंचवाने, एंड हिस्ट्री विस्ट्री तो मेरे को पता नहीं, बट जगह अच्छी है फॉर फैमिली, अच्छी जगह है ये। भाई हमारा वाला जो है ना बच्चा, ये आसान बच्चा नहीं है ये, देखो वो कह रहा मेरे को नीचे उतारो, यही देखने आते हैं यार लोग, यहाँ मछलियाँ वाटर, बट अच्छा है ठीक है। ये हो गया टैनिंग बहुत हो जाती है यार, बहुत गर्मी है इधर तो यार, ऐसा कुछ है माहौल देखो, हर जगह के लोग आते हैं इधर हर जगह, और सही भी है देखने में, टूरिस्ट प्लेस है, खाने पीने का सब है ही, कैफेज आपको सामने दिख ही रहे हैं, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बट हाँ महंगा तो है इधर थोड़ा सा, बट इतना महंगा नहीं है। तो ये सब कुछ क्लिक्स करवाते हैं लोग ऐसे, और यही है बस तीर्था गंगा। तो यार ऐसा कुछ है देखो, बस अब जाने का प्रोग्राम लग रहा है, दुकान है शॉप है सब ले सकते हो तुम, तो यहाँ पर देखो सम इगुआना एंड स्नेक। तो ये जगह है गोवा लावा, तो हम यहाँ पर आए थे भाई, बीच एकदम खतरनाक है, तुम्हें वो मैंने दिखाई दिया देख लो, खाली बीच है और मज़ेदार बीच है। यार ऐसे गेट इधर बहुत सारे हैं,
अब इनका मतलब क्या है ये तो पता नहीं, बट है बहुत सारे। वो ऐसे जगह जगह पे ये गेट बने हुए हैं और देखने आते हैं भाई लोग। तो यार ये अपना रूम है, मैं एक बार इसका टूर करवा देता हूँ। घुसते ही पहले बाथरूम है, ठीक है बाथरूम नहाना ही होता, बाथरूम में और तो क्या ही करना होता है। ठीक है एंड ये हमारा लगेज है, फिर आपको थोड़ा मिरर दे दिया है, ये फॉर वार्डरोब है, छोटी सी लॉकर है, फ्रिज है एंड ये और ये बालकनी है हमारी, बालकनी है। तो ये पूल है, ठीक है रात को नहाएंगे इसमें, दिन में भी नहाएंगे। तो यार बियर के रेट देख लो, ये बियर के रेट है, इसको 180 से डिवाइड कर लेना, 180 से। ऐसी शाम है भाई कूटा की कुछ, लोग मस्ती में रहते हैं, ये देखो हेल्थ कॉन्शियस भी है, सब मजे कर रहे हैं टूर। ये है बाली साइकिल टूर, ठीक है इसका एक वेबसाइट भी है, अभी आपको दिखाते हैं वेबसाइट का नाम bali.beercycle.com। इसमें क्या होता है थीम, इसमें यार तुम ना इंडियन 3000 और 3500 3500 रुपये दो, अनलिमिटेड बियर्स पिलाते हैं और दो घंटे का राइड होता है, तो ये पूरा कूटा घुमा देते हैं तुम्हें, और गाने बजते रहते हैं देखो ऐसे, और ऐसे ये पूरा चलता रहता है इनका, मस्ती है यार फुल। फॉरनर्स हैं क्योंकि यहाँ पर भाई पोर्क और बीफ बहुत ज़्यादा बिकता है, बहुत ज़्यादा पोर्क और बीफ। ये जो मनी एक्सचेंज का सीन होता है ना वो यहाँ पर बहुत सारी जगह पे है, जैसे आपको दिख रहा होगा यूएस डॉलर, AUD, यूरो, जैपनीज करेंसी जो भी है, INR, ठीक है। अभी क्या है कि आप इसको PT वाली दुकान से ही कन्वर्ट कराना, ऊपर PT लिखा होगा, कहते हैं कि ये लोग ना झोलझाल नहीं करते कोई, ये थोड़ी ईमानदारी से आपको करेंसी दे देंगे, नहीं तो यहाँ पर स्कैम हो जाता भाई। ऐसे यार शॉप, ऐसे शॉप्स हैं, कपड़े ज़्यादा महंगे नहीं हैं पर बहुत सस्ते भी नहीं हैं, जैसे ये है लिखा है IDR 100K, तो समझ ही जाओ 1,00,000 रुपये का मतलब इंडियन 500 रुपये, ठीक है इनका 1,00,000 रुपये, हमारे 500 रुपये लगभग, कुछ 10-20 रुपये ज़्यादा वादा होगा तो पता नहीं, पर 500 रुपये। यार हम लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, पंजाबी बाइक ग्रिल, इंडियन टेस्ट है, बहुत बढ़िया है। और अभी बैठे हैं, हमने ऑर्डर करा है कुछ, अंदर थोड़ी सी साउंड है इसलिए मैं बाहर आया हूँ दिखाने। ओके यार बाय। यार मैंने बताया था ना जैसे कि डॉलर्स कन्वर्ट करवाने हो तो PT वाली शॉप में आना, PT, ठीक है। ये रेट अच्छा दे देते हैं और अच्छा रेट दिया इन्होंने, और वो रेट
चेंज होता रहता है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता सकता। तो मैंने कुछ डॉलर्स दिए थे, कुछ मैं लेकर आया था, और वैसे मैं पूरा ही लेकर आया था आइडिया, पर कुछ अभी मैंने कन्वर्ट करवाए हैं। अच्छे रेट देते हैं, पीटी वाली शॉप में आना अगर इंडोनेशिया आते हो तो। थैंक यू।